This is Mukesh here. Welcome to my channel Programming Classes. आज हम लोग स्टार पैटर्न प्रिंटिंग सीखने के सीरीज में आज हम लोग तीसरा पैटर्न देखेंगे और समझेंगे इस तरह का पैटर्न का किस तरह से लॉजिक होगा. हम आपको हमेशा बताएं जो बेसिक लॉजिक है वो सेम ही है सभी तरह का स्टार प्रिंटिंग का पैटर्न का. ठीक है, पहला वीडियो मेरा जरूर देखें जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा बेसिक लॉजिक क्या बताते हैं, कैसे स्टार प्रिंटिंग का सर बेसिक लॉजिक क्या बताए हैं, आपको पहले वीडियो में मिल जाएगा. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. हमने बताया है चाहे पैटर्न कैसा भी हो आपको रो और कॉलम में डिवाइड करना है. एक रो, दो, तीन, चार, पांच, टोटल नंबर ऑफ रो कितना, 1, 2, 3, 4, 5. और कॉलम को अगर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक, क्लियर है. और बेसिक चीज सबसे पहला लुक रो के लिए, क्योंकि मुझे एक रो पे एक रो का सारा कॉलम पे काम कर लेना होता है तब मुझे रो चेंज करना होता है. ठीक है, तो सबसे पहला लुक रो के लिए हम लगा लेते हैं. इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है. आई का वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई इक्वल टू आई प्लस 1. ठीक, याद रखिएगा रो मेरा 5 है इसलिए 5 तक ही हम चलाते हैं. रो का वैल्यू अगर 10 रहेगा तो 10 तक चलाना है आपको. ओके, चलिए. और हर एक रो के लिए कॉलम कितना है, 5 है. हर एक रो के लिए कॉलम कितना है, 5 है ना. चलिए, तो हर एक रो के लिए कॉलम का लूप भी सेट कर लो. फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5 और जे इक्वल टू जे प्लस 1. ठीक, चलिए, ये तो मेरा आ जाएगा. यहां पे अगर सभी में अगर स्टार रहता इस तरह से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता. हम डायरेक्टली यहां प्रिंट कर देते स्टार, तो हर एक रो में 5-5 स्टार प्रिंट कर देता. लेकिन जब भी रो कॉलम का वैल्यू चल रहा है हर एक रो के लिए, ठीक है, तो मेरे पास कहीं पे स्पेस है और फिर स्टार है, ऐसा है. ठीक है, तो हमें कॉलम का देखिए, ये जो कॉलम का लूप जो चल रहा है इसमें मुझे सेट करना है दो चीज, कि कहीं स्पेस प्रिंट करना और कहीं स्टार प्रिंट करना. बस यही मेन कंसेप्ट है, समझे. ये कॉलम का लूप जब चला रहे हैं तो मुझे कहां पे स्पेस और कहां पे स्टार प्रिंट करना है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है. क्लियर, बस उसी चीज के बारे में सोचना है आपको. ठीक है, चलिए, तो हम लोग सोचते हैं कि मेरे इसमें क्या कर. देखिए, जब मेरे पास i का वैल्यू 1 है, ठीक है, मेरे पास i का वैल्यू 1 है तो मुझे स्टार का प्रिंटिंग कहां करना है. देखिए, स्टार का प्रिंटिंग 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए. और i का वैल्यू 1 है तो j 1 से लेके 5 तक चलेगा यहां पे. और i का वैल्यू अगर कितना है, 2 है, तो मुझे यहां पे स्पेस 1 छोड़ देना है. स्टार का लूप हमको चलाना है 2 से लेकर 3, 4 और कितने तक, 5 तक. क्लियर है. और i का वैल्यू अगर 3 है तो 3 से लेकर कहां तक, 4 और 5 तक. ये स्टार का लूप हम बता रहे हैं, इसे यहां पे स्टार प्रिंट करेगा. अजय का वैल्यू दूसरा, तीसरा, चौथा पे स्टार प्रिंट करेगा, पांचवा, छठा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रिंट करेगा. ठीक है, और i का वैल्यू 4 है तो चौथा और पांचवा पे स्टार प्रिंट करेगा. और i का वैल्यू 5 है तो पांचवा पे स्टार प्रिंट करेगा. बाकी जो एज इट इज ये तुम्हारा स्पेस है. ठीक है, तो मुझे दो चीज यहां करना है, दो पार्ट में. एक पार्ट जो स्टार प्रिंटिंग का काम करेगा और एक पार्ट मेरा स्पेस प्रिंटिंग का काम करेगा. ये आपको समझना है यहाँ पे. क्लियर, चलिए. तो इस लॉजिक को अगर आप समझ रहे हैं तो हम लोग इसको जनरलाइज तरीका से समझते हैं कि कहां पे स्पेस प्रिंट करना और कहां पे स्टार प्रिंट करना है. चलिए, तो अगर सबसे पहले स्पेस है तो हम लोग स्पेस प्रिंट करा लेते हैं पहले. ठीक है, तो जब हम बोलेंगे यहां पर, सुनिए यहाँ पे, कि जब पहला बार जब कॉलम का लूप चल रहे हो तो पूरा चल जाना, कोई स्पेस देना नहीं है किसी भी कॉलम पे, कोई स्पेस. लेकिन जैसे ही रो का वैल्यू चेंज हो रहा है, 2 पे आ रहा है, तो वहां पे पहला बार स्पेस दे देना. ठीक है, और अगले बार कितना, आप सुनिए, तो स्पेस का संख्या कितना है, अगर i का संख्या 2 पे है, ठीक है, तो स्पेस 1 है. i का संख्या 3 पे है तो स्पेस 2 है. तो अगर हम यहां लिख दे चलते हुए इफ, ठीक है, j लेस देन, बस समझे आप, j लेस देन i है, यहां पे समझिएगा, j लेस देन i हो, जैसे j का वैल्यू 1 होगा, j का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और i का वैल्यू मान लीजिए 2 होगा, तो ऑफ कोर्स लेस देन i रहेगा. तो एक बार तो चलेगा, एक बार चलेगा ना, तब आपको प्रिंट करना है क्या, स्पेस. यहां पे स्पेस प्रिंट करवा दीजिए.
ठीक है, लेस देन आई रहेगा तो क्या प्रिंट कर देना है, स्पेस प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर समझिए, और अगर बात समझिए यहाँ पे, अगर जे का वैल्यू लेस देन आई से ज्यादा, मतलब आई इतना पहुंच गया वहां से लेकर, मतलब जे का वैल्यू वन में स्पेस प्रिंट करे और जे का वैल्यू जैसे ही आई हो मतलब बराबर हो गया, तो वहां से लेकर जे मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या प्रिंट करते जाएगा स्टार, जैसे यहां पे आपको दिखाए हम जो से लेकर पास तक स्टार। तो इफ ये गलत होता, जैसे ही जे इक्वल टू आई हो गया वहां से स्टार्ट होकर इफ पार्ट गलत हो जाएगा और इस पार्ट में हम आ जाएंगे और यहां पे हमने क्या लगा दिया स्टार प्रिंट करवा दिया, समझ में आ रहा होगा ठीक है। और जब ये पूरा कॉलम का लूप चल जाए तो मुझे लाइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है, यहां लिख दे प्रिंट एफ स्लैश एन ठीक, और देन इसको बंद कर दे। क्लियर, समझ रहे हैं? तो हमने सबसे पहले किसके बारे में सोचा, हमने सबसे पहले स्पेस के बारे में सोचा कि स्पेस ना चलाना है तो जे लेस देन आई तक, मतलब आई का वैल्यू शुरू, आई का वैल्यू शुरू में यहाँ पे इसको हम एक मिनट आपको हम जनरलाइज करके थोड़ा दिखा रहे हैं, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जे मेरा वन से लेकर, जे मेरा वन से लेकर पांच तक चल रहा है ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया जे लेस देन आई, जे का वैल्यू शुरू में कितना रहेगा, आई का वैल्यू शुरू में रहेगा आई वन रहेगा, आई शुरू में कॉस वन रहेगा और जे वन रहेगा। अब कॉस लेस है नहीं, इक्वल है ना, तो इफ पार्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा, इल्स पार्ट में जाएगा, और इल्स पार्ट में जाएगा तो सिर्फ स्टार प्रिंट करेगा ठीक है, और जे मेरा बढ़ते जाएगा, जे का वैल्यू वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा ठीक है, सिक्स होगा लूप से बाहर, मतलब एक बार भी ये वाला कंडीशन सही नहीं होगा। अगले बार आई कितना हो गया, टू हो गया, तो फिर आएगा तो फिर जे कितना से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा, फिर जे कितना से वन से स्टार्ट होगा और फिर जे लेस देन आई, तो अगले बार आई कितना है, टू है और जे कितना है, वन है ठीक है। तो एक बार तो लेस है ना, तो एक बार स्पेस प्रिंट करेगा जो कि जरूरत है तुम्हारा ठीक है, और बाकी के लिए जैसे ही जे का वैल्यू कितना होगा, वन हट के टू होगा तो लेस देन नहीं रहेगा, मतलब कि फिर टू से लेकर कहां तक, पांच तक क्या प्रिंट करेगा, इल्स पार्ट रन करते रहेगा और सिर्फ क्या प्रिंट करते जाएगा, स्टार प्रिंट करते चला जाएगा। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस ये चीज देखिए यहाँ पे, किसी भी पैटर्न में इतना लगा लेना, बस तुमको यहाँ पे चेंज करना है कि हमें कब स्पेस का कंडीशन क्या होगा और स्टार का कंडीशन क्या होगा, बस इस चीज को समझिए, आप किसी भी तरह का पैटर्न को बना लोगे ठीक है। और ये कंडीशंस कैसे खोजेंगे, तो ये कंडीशंस फिगर में खोजना है कि मुझे जब लूप चल रहा है जे का तो मुझे कहां पे स्टार और कहां पे स्पेस, उसके हिसाब से यहां पे कंडीशन आपको क्या करना है, डाल देना है। क्लियर है? चलिए अब यहां पे अगर कंप्लीट इसको प्रभाव चाहिए तो इंक्लूड कर लो और देन यहां पे वर्ड में ठीक है, और यहां पे वेरिएबल दो इंट आई और जे और देन यहां पे गेट सी एच। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? है ना, तो बहुत बेसिक तरीका से हम आपको समझाए और आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप किसी भी तरह का पैटर्न आप बनाओ ठीक है, आराम से इसको बनाओ और सोच कर बनाओ, अलग अलग पैटर्न लेकर बनाओ ठीक है। आई होप कि बेसिक लॉजिक जो होता है पैटर्न प्रिंटिंग का आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी इससे थोड़ा टप हम पैटर्न लेकर चलेंगे, लेकिन बेसिक लॉजिक आपके पास यही रहेगा हमेशा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।